नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका शशि की रसोई में। आज दोस्तों देखिए, मैंने बनाया है एग रोल। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट, ये आटे के हैं, गेहूं के आटे के बने हुए हैं। इसमें अंडे का घोल मिलाकर ये बना रखे मैंने। आइए देखते हैं, इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ खाइए। और आइए बताती हूँ मैं इसकी विधि कैसी ये मैंने बनाई है एग रोल अंडे का। आइए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद। आइए बताती हूँ इसकी विधि। देखिए दोस्तों, ये हमने ये आटे का एक डो बना दिया है। इसे थोड़ा गरम और ठंडे पानी मिक्स से बनाया है। इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया हमने और ये एक अच्छा सा डो तैयार कर दिया। इसका मैं बनाऊंगी एग रोल पराठे। देखिए देखिए दोस्तों, ये आटे का डो तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये सूखा आटा लोई बनाने के लिए। अब हम एक छोटी छोटी लोइया लेंगे, बिल्कुल दो लोइया बनाएंगे हम ऐसी। देखिए दोस्तों, ऐसे करके ढेर सारी लोइया तैयार करनी है। अब हमें इनको इसके ऊपर हल्का हल्का तेल लगाना है। ये देखिए, हमें एक एक लोई पे ये थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है ऐसे करके, और हाथ से ऐसे करके मेस के, और एक के ऊपर एक लोई ऐसे रखना है ऐसे करके। ऐसे ये तेल लगा हुआ है, लोइयों को एक के ऊपर एक रखना है और इनको बराबर करके बेलना है। अभी ये दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए फिलहाल मैंने ये 6 लोई की 3 लोई कर दी हैं। अब इसमें मैं एग रोल के लिए एग का बैटर तैयार करूंगी। देखिए दोस्तों, एग रोल के लिए, एग का घोल बनाने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। थोड़ा सा ये हरा धनिया, थोड़ा सा ये हरी प्याज, और अंडा, और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई। अगर आपके पास काली मिर्च पिसी हुई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लाल मिर्च से काम चला सकते हैं। और ये सामग्री, ये सब मिला के ये बैटर मैंने तैयार कर रखा। ये देखिए, अब मैं इसका आपको बताऊंगी कैसे करके इसका एग रोल बनाना है। ये देखिए दोस्तों, एग रोल का घोल ये तैयार करके मैंने पहले से रखा हुआ है, इसे खूब फेंट के। आइए अब बताती हूँ कैसे ये इन रोटियों के साथ बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम ये रोटियां को बेलेंगे, जो ये हमने डबल डबल करके रखी हुई हैं। इसे हम बेलन में बेल के रख देंगे, पहले ही अच्छे से पतली करके। देखिए ऐसे करके आप सारी रोटियां बेल के रख दीजिए पतले पतले। देखिए सारी रोटियां बेल के मैंने रख दी। अब आइए बताते से पराठा कैसे बनाना है, एग रोल कैसे बनाना है। देखिए तवा गरम हो गया, इसमें हमें रोटी डाल दिए। देखिए पक गया, इसे हम पलटा देंगे ऐसे करके, और अब इसमें ऑयल लगा देंगे। इसे अच्छे से सिकने देंगे हम दोनों तरफ से, ऐसे करके हम सारे पराठों को सेक लेंगे पहले। देखिए दोस्तों, पराठे रेडी बनके तैयार हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, डबल डबल थे तो इनको ऐसे ऐसे करके ये बिल्कुल खुल जाएंगे। एक एक लेयर इनके अलग हो जाएगी, ये देखिए एक एक करके इनकी लेयर अलग हो जाएगी। और आइए बताते इसमें, अब डालूंगी मैं अंडा का घोल, थोड़ा तेल। देखिए डालेंगे अंडा, ये अब इसके ऊपर ये डालेंगे हम। देखिए देखिए ये रेडी हो गया। ऐसे करके हम दूसरा भी बनाएंगे।
देखिए दोस्तों, ऐसे ही एग रोल पराठे तैयार हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ये सॉस लगाएंगे, ऐसे करके सॉस या हरी चटनी कुछ भी लगा के। और अब इसका हम ऐसे करके रोल बनाएंगे। ये रोल बन गया दोस्तों, ये रोल ऐसे करके हम तैयार है। अब इनको हम बीच से काट देंगे। अच्छे से कटिंग कर लो, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है बिल्कुल। इसे भी ये देखिए, ये हमारा नाश्ता तैयार एकदम। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आप ये सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।